हमीरपुर में निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऊपर ताला लगने के बाद 3 महीने से सैकड़ों छात्र मझधार में फंसे हुए हैं। करीब 3 महीने पहले निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपए के लोन केस न भरने के कारण ताला जड़ दिया गया, जिस पर अब सैकड़ों पॉलिटेक्निक छात्रों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि पीड़ित छात्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिलकर समस्या के हल की गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया, जिस कारण SFI के बैनर तले हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर दर्जनों छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्रों ने बताया कि 3 महीने से कॉलेज पर ताला लटका है और अब अगले माह पेपर होने हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के बारे में CM से लेकर शिक्षा मंत्री से बात की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला और अब मजबूरन छात्रों को धरने पर बैठना पड़ा है। बंद हो चुका है, 3 महीने से हम CM के पास गए, DC ऑफिस गए, धर्मशाला गए, पर हमारी कोई नहीं सुन रहा और कॉलेज प्रशासन भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। बदतमीजी करते हैं, कुछ भी बोलो तो धमकी देते हैं। इससे पूछो कॉलेज कब खुलेगा, वो ये बोलते हैं कि बस 2 दिन में पेपर करवाने ही पड़ेंगे इन लोगों को। पेपर नहीं होंगे, हम तक नहीं रहेंगे यहाँ से। बंद हो गया है, 3 महीने हो गए कॉलेज बंद हुए। हमने सबके बात दिया, MD सर को 1000 बार बोल दिया हमने कि कॉलेज खुलवा दो, हमारे पेपर नहीं हो रहे। उनको कोई फर्क नहीं है कि हमारे पेपर हो या ना हो, उनको मतलब है सिर्फ अपने कॉलेज खुलने से। वो ट्राई कर रहे हैं कॉलेज खुलवाने की, पर सिर्फ अपना कॉलेज खुलवा रहे हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, वो स्टे ऑर्डर लेने के लिए जा रहे हैं वो दिल्ली, ना कि हमारे पेपर करवाने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारी टेंशन होती ना उनको, तो आज हम यहाँ नहीं होते बैठे हुए। अगर हमारे पेपर अभी भी नहीं, MD सर बोलेंगे कि होंगे, तो हम उठेंगे ही नहीं यहाँ से। जब तक वो नहीं बोलेंगे कि कॉलेज खुल गए, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारे पेपर होने चाहिए, वो चाहे जैसे मर्जी करवाए, हमें नहीं मतलब। बच्चे हैं हम लोगों का, कॉलेज बंद हो गया लोन की वजह से, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। और हमें क्या बोलते हैं, धर्मशाला से हमें कोर्ट वालों ने बोला है कि आपके पेपर नहीं होने वाले। रेगुलर बच्चे जितने भी हैं, 92 बच्चे हैं हम लोग रेगुलर वाले, उनके पेपर नहीं होने वाले। इसके लिए हम लोग CM के पास भी गए थे, DC ऑफिस में भी पहले हम लोग आए हैं, हमारे कि हमारी मांगे जो भी हमने बोला है कि हमारे पेपर नहीं हो रहे हैं वो सारे हो। अब तो हमारे कॉलेज की एफिलिएशन भी रद्द हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पेपर भी नहीं होने वाले। CM से मिले जाते तो हमारी जो सभी से रिक्वेस्ट की हमारा पेपर होने चाहिए, तो सभी ने बोला कि हमारा आपके पेपर मतलब कैसे होंगे, सभी ने मना कर दिया। हमारा फ्यूचर खतरे में है, लास्ट 7 लगा हुआ है, ऊपर से हम लोग एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन को अगर हम बोल रहे हैं तो हमें धमकियाँ दे रहे हो, इसका बदल कर रहे हैं, और साथ में हम बोल रहे हैं कि जो करना है वो कर लोगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर हम बैठे हैं कि हमारी क्या, हम सभी जगह गए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमारी एप्लीकेशन इस तरह देख दी गई है, शादी की बोला कि जो मतलब कर सकते हो कर। अब देखते हैं क्या होता है, हम धरने पर बैठ गए हैं, हमारे पास यही एक ऑप्शन था। वहीं SFI के प्रतिनिधि अनिल मनकोटिया ने बताया कि छात्र हर जगह अपनी फरियाद लगा चुके हैं, जिस कारण अब SFI ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए भूख हड़ताल व धरना देने का फैसला लिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या का हल नहीं निकला तो प्रदेश के खिलाफ बड़ा आंदोलन तक किया जाएगा। की तरफ से ये जो दिवस्य पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्रों की जो डिमांड है, हम उनके समर्थन में आज उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं। और पिछले 6 महीने से इन बच्चों का शोषण हो रहा है, जिस तरीके से जब से कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने इनका जो कॉलेज है उसको सीज किया, और उसके बाद कुछ छात्राओं के जो हॉस्टल के अंदर जो उनका सामान था वो भी उनको वापस नहीं मिला है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके जो एग्जाम अगले महीने जो शुरू होने, उसको लेकर जो है कॉलेज प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरे गए हैं। और इसको लेकर जो है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ भी इनको जो है किसी तरह की मदद वहाँ पर नहीं मिली है। इससे पहले जो हमीरपुर जो प्रशासन है, DC के माध्यम से भी इन्होंने जो जितने भी संबंधित जो इनके बोर्ड के अधिकारी हैं, शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके पास भी अपनी फरियाद लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है इनकी एप्लीकेशन तक फाड़ दी गई। और जिस तरीके का न्याय आज की डेट में जिस हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा सरकार के राज में यहाँ पर छात्रों के साथ हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगले महीने जो इन बच्चों के पेपर शुरू होंगे, इनको समय पर जो है इस सारी समस्या का जो है कोई अल्टरनेट कोई हल जो है जल्दी से जल्दी निकालें, अन्यथा जितने भी छात्र हैं हम DYFI और SFI की मदद से प्रदेश सरकार के खिलाफ, अगर ये इनका समस्या का हल नहीं होता है तो
प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।